Hi guys, this is PMP Kids. Welcome back to our channel. So guys, today we are going to learn about skeletal system. हमने पिछली वीडियो में ब्रीदिंग सिस्टम किया था लर्न और आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम लर्न करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर स्केलेटल सिस्टम. होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ऊपर. ओके, सो स्क्रीन में पहला क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्टली स्केलेटल सिस्टम लिखा हुआ है ना, द स्केलेटल सिस्टम वो लिखा हुआ है. उसके नीचे एक स्केलेटन बना हुआ है. इज इट? हाँ, वो सबको दिख रहा है. तो चलिए अब आते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम की तरफ. यस, सो गाइस, सबसे पहली इमेज में आपका क्या लिखा हुआ? स्केलेटल सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स. सो गाइस, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करवाए थे, तो चलिए इस वीडियो में भी करवाए. तो इस लाइन की, इस पैरा की लास्ट लाइन पे हमें करना है. नीचे जो दिख रहा है, द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन. उसका अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सा फ्रेमवर्क है वो? वो है हम लोगों का रिब केज. ओके, रिब केज एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लंग्स, हार्ट सब कुछ आते हैं और वो सबको प्रोटेक्ट भी करता है. चलो नेक्स्ट बात है. सो गाइस, अभी हमारा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ओके गाइस, सो हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलेटन ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग, बड़े ह्यूमन बींग जैसे मैं हो गए, जैसे अपना हमारे मम्मी पापा हो गए, उन सबके ना 206 बोन्स होते हैं. कितना होते हैं? 206 बोन्स होते हैं. बट और लेकिन ना वो अलग शेप और अलग साइजेस के भी होते हैं. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और इसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पे हो आप लोग सब कोई नेक्स्ट पेर के लिए रेडी है. बोन्स, सुनिए ध्यान से मेरे को. बोन्स आर द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स. दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स. बोन्स आर लिविंग एंटिटीज. दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स. दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव. That is why we feel pain when any of our bone get hurts. चलिए इसका हिंदी मतलब जानते हैं. तो जो बोन होता है वो हार्ड और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का बना होता है. किस से? मिनरल्स की वजह से. और कौन से मिनरल? कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल्स से होता है. ओके, सो वो जो होते हैं ना, और अलग अलग मिनरल से भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है ऑप्शन? आप हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के ऑप्शन से. ठीक है, सो लेकिन जो बोन्स है ना वो लिविंग एंटिटीज है, वो लिव करते हैं. ओके ओके, सो बोन्स आर लिविंग एंटिटीज, वो तो जीते हैं. ठीक है, मैंने अभी अभी बताया, मैं रिपीट कर रही थी इस बात को. ओके, सो बट अब बताते हो, उनके पास ना अलग अलग चैनल्स होते हैं. चैनल्स होते हैं जिसमें वो लोग ब्लड वेसल्स करते हैं. अब इस स्लाइड पे जो इमेज बनी हुई है उसी को ब्लड वेसल कहते हैं. रेड वाला जो है वो लंग्स के इन जाता है और जो ब्लू वाला है वो लंग्स के आउट आता है. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी. उनके पास नर्व्स होते हैं, नसें होती हैं जो हमें अलाइव रखने के लिए और ब्लड वेसल्स को अलाइव रखने के लिए बहुत जरूरी होती है. इसीलिए हम जब गिरते हैं तब हमें दर्द होता है, क्योंकि हमारे बोन को चोट लगती है, मतलब हमारे बोन को प्रॉब्लम होती है. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. सो गाइस, अभी मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है नीचे. सो दैट इज योर द लॉन्ग बोन्स से उसका शुरू हो रहा है. सो चलिए शुरू करते हैं. द लॉन्ग बोन्स लाइक थाई बोन. थाई बोन जो है वो सबसे लॉन्ग बोन है, और या फिर आर्म बोन भी, बट थाई बोन से वो लॉन्ग नहीं है. ठीक है, ध्यान रखना.
वो जो है ना हॉलो है इनसाइड से, अंदर से हॉलो है, तो वो जो हॉलो स्पेस होता है ना वो किससे फिल होता है? ब्लड सेल से फिल होता है. ओके और वो जो है ना जिससे ये ब्लड वेट, यहाँ पे जो है मैंने अभी आपको बताया कि हॉलो स्पेस में सेल्स होते हैं और सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो बोन मैड कहलाते हैं. ठीक है, जो सॉफ्ट मटेरियल अंदर हॉलो में होते हैं उसको बोन मैरो कहते हैं. ठीक है, ब्लड सेल्स जो है वो बनते किससे? बोन मैरो के अंदर बनते हैं. ठीक है, यानी कि बोन मैरो जो है वो फूड फैक्ट्री कहलाता है मेकिंग ब्लड की. ठीक है, सो गाइस लेट्स मूव टू नेक्स्ट. तो आपको नीचे मुझे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कैसे है, उसमें ना आपको प्रॉपरली पता चल रहा है कि कहाँ से क्या बोन मैरो कहाँ है ना, इज इट, वो आपको पता चल रहा है नीचे. वो एक स्केलेटन सिस्टम देख के उसका पॉइंट आउट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यस इट इज द बोन मैरो. ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. सो गाइस लेट अस स्टडी मोर अबाउट स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम ना कुछ डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसका बैकबोन क्या मदद करता है, स्कल क्या करता है, तो उस सब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. सो आपको नीचे कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, मेन पार्ट्स दिख रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के, है ना. तो एक तरफ क्या बना हुआ है आपका, एक तरफ आपका स्कल की डायग्राम है, दूसरी तरफ आपके बैकबोन का डायग्राम है, तीसरे नीचे आपका रिब केज और उसके बगल में आपका लिम्ब का डायग्राम है. ठीक है, सो ये जो चार चीजें हैं ना वो चीजें जो है ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मेन पार्ट्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम के. नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन द स्कल, है ना. स्कल के बारे में नीचे आप लोगों को लिखा दिख रहा है, तो चलिए मैं देखती हूँ कि क्या लिखा हूँ. ओके सो इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स, दे आर क्लोजली फ्यूज टूगेदर. द स्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज ब्रेन. नाउ अंडरलाइन, आई एम हैविंग द पेन, यू शुड ऑल्सो हैव. इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स, ये वाली लाइन को अंडरलाइन कीजिए. नेक्स्ट, द स्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाली लाइन को अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज ब्रेन. मैंने अंडरलाइन कर लिया, आपको भी अंडरलाइन करना है. ठीक है, नाउ अब क्या लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ है दो जॉज होती है, एक अपर जॉ होता है और एक लोअर जॉ होता है ना, होता है कि नहीं. सो जो लोअर जॉ होता है ना वही से मूवेबल होता है, मैं बोल रही हूँ तब भी सिर्फ लोअर जॉ ऊपर नीचे इधर उधर कर रहा है, लेकिन जब मैं कुछ भी करूँगी लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से. ठीक है, सो जो लोअर जॉ की मूवमेंट होती है वो हमें खाने पीने टॉक करने लाफ करने इन सब चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है. सो ये सब भी हमारे स्कल के अंदर ही होता है. ओके सो लेट्स कम टू बैकबोन. सो गाइस बैकबोन पे आते हैं. बैकबोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, लाइक द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल, इट इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टेब्रा. दीज स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक अ स्ट्रॉन्ग वर्टेब्रल कॉलम, इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. दीज स्मॉल बोन्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक. What would happen if our backbone was just made up of string? समझ आई बात? So, अब मैं हिंदी मतलब समझा दी, उसके बाद अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन का मेरे को कमेंट में सारे आंसर कर दीजिएगा. ठीक है, सो द बैकबोन जो है वो स्कल से कनेक्टेड है, वो 33 स्मॉल बोन्स से बना हुआ है जिसको हम वर्टेब्रे कहते हैं, और ये जो स्मॉल बोन्स है वो सब मिल के एक वर्टेब्रल कॉलम बनाते हैं. यहाँ पे आपकी नीचे स्लाइड पे एक बैकबोन की पिक्चर, छोटे छोटे बोन्स दिख रहे हैं ना, वो सब वर्टेब्रल कॉलम बना रहे हैं. ठीक है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है. ये जो है ना छोटे छोटे बोन्स हमारे बैक को फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक मैं ऐसे हो रही हूँ, ऐसे हो रही हूँ, ऐसे हो रही हूँ, ऐसे हो रही हूँ, तो मेरे को ये सब सिर्फ एक बैकबोन से ही हो रहा है. लेकिन अगर बैकबोन सिर्फ एक स्ट्रेट बोन का होता तो क्या होता? सिंपल, वी कांट डू दिस
this and this. We will only sit like this. हम लोग सिर्फ ऐसे ही बैठे रहते हैं, ठीक है? So अगर backbone नहीं होता तो ऐसा होता, ठीक है? Okay, let's move to next. That is your rib cage, okay? रिब केज पे मैंने आपको बताया. सो देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. एक मिनट गाइस, दोबारा से बैकबोन वाले पे आ जाइए आप लोग. सो 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टेब्रे. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैं भूल गई थी, ठीक है? अंडरलाइन कीजिए. मेड अप ऑफ नहीं करेंगे, 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टेब्रे करेंगे. उसके बाद these small bones taken together make strong vertebral column. उसके बाद सिर्फ spinal cord, उसके बाद flexibility. ये सारी चीजें आपकी underline हो जानी चाहिए. अब आते हैं rib cage पे, ठीक है? There are 12 pairs of ribs, okay? Forming a cage around delicate organs like heart and lungs. These are curved bones joined to the backbone and the breast bone. The last two pairs of ribs called the floating ribs. This is because they are connected to the backbone only and not to the breast bone. See, here जो रिब केज होता है ना, वो सब 12 पेयर्स का बना होता है. एक केज बनाया हुआ होता है डेलिकेट ऑर्गन्स के बाहर बाहर में, अराउंड में. सो उस रिब केज के अंदर हमारा हार्ट होता है, लंग होता है, विंड पाइप होता है, बहुत कुछ ही होता है. बैकबोन उसके पीछे से जाता है, ठीक है? सो बैकबोन जो है ना, उसके ज्वाइन करता है और ब्रीस्ट बोन भी ज्वाइन करता है. ध्यान रखिएगा ये सब चीजें. और हाँ, ये जो लास्ट टू पेयर होते हैं ना रिब के, उन सबको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. फाइन, दिस इज बिकॉज वो जो है ना सिर्फ बैकबोन से कनेक्टेड है, इसीलिए उन सबको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. अगर वो लोग ब्रीस्ट बोन से भी कनेक्टेड होते तो उन लोग तो वैसे ही रह जाते, मतलब फ्लोटिंग रिब्स कुछ होता ही नहीं. तो वो लोग सिर्फ ब्रीस्ट बोन से नहीं कनेक्टेड है, सिर्फ बैकबोन से कनेक्टेड है, इसीलिए उनका जो है उनका नाम है फ्लोटिंग रिब्स. सो लिखिए ये वाली लाइन, अंडरलाइन कीजिए. द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. उसके बाद डन. नेक्स्ट पे आते हैं लिम्ब्स पे, ओके? लेट्स कम टू लिम्ब्स. द फोर लिम्ब्स और द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डल्स एंड कोलार बोन. द अपर आर्म हैज ओनली वन बोन बट द लोअर आर्म हैज टू बोन्स. The hand has many small bones in the palm fingers. The hind limbs, example legs, bear the weight of whole body. The upper part of the hind limbs is made up of longest bone in our body. Okay? So, what was it? So, the four limbs or the arms are joined. ठीक है, सो ये वाली लाइन मैं आपको अंडरलाइन करवा लेती हूँ, बट हाँ पहले मतलब समझ लेते हैं, ओके? ओके, सो द फोर लिम्स और द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन. जो फोर लिम्स और आर्म होते हैं ना, वो जॉइंट से, ओके, किससे? स्पाइन से. यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ है दैट द फोर लिम्स और द आर्म्स जो है वो स्पाइन से कनेक्टेड होते हैं. इसीलिए बाय द शोल्डर गर्डल्स और कोलर बोन. ठीक है गाइस, एक पेल्विक गर्डल भी होता है, ओके? सो ध्यान रखिएगा ये भी. दिस इज द टिप, ओके? पेल्विक टिप. नाउ अपर आर्म के पास जो होते हैं सिर्फ वन बोन होता है, लेकिन लोअर आर्म के पास ना दो बोन होता है. लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से देखते हो, मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ. यहाँ पे सिर्फ एक बोन है, मैं इसके बीच से उसको नहीं मोड़ सकती हूँ. लेकिन जब ये है ना, तो इसके बीच से मैं ये चीज, ये वाला जो है ना, ये मैं मोड़ सकती हूँ, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू. फाइन, मतलब यहाँ पे दो बोन लगे हुए हैं. फाइन, और यहाँ पे फिंगर पाम्स पे इतने सारी छोटी छोटी बोन्स होते हैं, लाइक वर्टेब्रे के बारे में मैंने आपको बताया था, वही हमारे पाम फिंगर में है. ठीक है, अब आते हैं हिंड लिम्स पे, जैसे कि लेग, ओके, या फिर बियर वेट ऑफ द होल बॉडी.
ठीक है। तो जो अपर पार्ट होता है ना हिंड लिम का, वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन का बना हुआ होता है, ठीक है। सो चलिए उस लॉन्गेस्ट बोन के बारे में जाने। सो गाइस, वो लॉन्गेस्ट बोन क्या है, उसको हम लोग फीमर कहते हैं। चलिए समझते हैं उसका पैराग्राफ क्या है। द फीमर और थाई बोन फिट्स इनटू द हिप गर्डल। द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। देर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टो रीजन। ठीक है, जो फीमर और थाई बोन होता है ना, वो हिप गर्डल के पास फिक्स्ड होता है, ठीक है। और जो फीमर होता है ना, दो छोटे बोन से कनेक्टेड होता है। एंड गाइस, इधर ना ये चीज को हम काउंट नहीं करेंगे सेकंड में, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हैंड में नीचे वाले पार्ट में दो होते हैं, तो इसे हम काउंट नहीं करते। इसी के पास यहाँ पे देखो छोटे छोटे, यहाँ पे आप दबा सकते हो, है ना। तो उसी के बीच में कुछ ऐसे और कुछ ऐसे बने हुए होते हैं आपके बोन, ठीक है। आपको दिखेंगे नहीं, आई शुड शो यू। ओके, ये देखिए यहाँ पे जैसे इस आर्म में जैसे दो बोन बने हुए हैं ना, उसी तरह से आपको करने का, ठीक है, उस तरह के होंगे दो बोन। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फीमर है वो दो लोअर दो बोन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। नी के पास ना उनके जॉइंट्स होते हैं, ताकि वो सारे जो बोन्स है ना वो कनेक्टेड रहे, ठीक है। इसलिए नी भी हमारी मूवेबल होती है। ओके, उसके बाद देर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टो रीजन टू। ये एंकल है ना हमारा, उसमें भी बहुत सारी टो और एंकल रीजन में छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। सो गाइज, लेट्स मूव टू टिप्स ऑफ द डे। ओके, हाय गाइज, सो अभी हम लोग टिप्स करने वाले हैं। सो टिप्स का फर्स्ट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ स्केलेटल सिस्टम से, ठीक। सो लेट्स लिसन दैट। ओके, सो अवर फर्स्ट टिप, जो चाइल्ड होता है वो 300 बोन से भी ज्यादा का होता है, एकदम न्यूबॉर्न बेबी को कहेंगे हम उसे। ओके, लेकिन जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, लाइक आई एम ग्रोइंग अप, तो वो सारे जो बोन्स है ना वो सब एक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू सेकेंड टिप। सो गाइस, सेकेंड टिप, हाँ सेकेंड टिप है दैट ह्यूमन एंड जिराफ हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक। हमारी जो नेक इतनी छोटी है और जिराफ की नेक इतनी बड़ी है, लेकिन तब भी जो जिराफ है उसकी और हमारी ह्यूमंस की नेक बोन सेम नंबर की है। ओके, जिराफ के नेक वर्टेब्रे में ना, जिराफ नेक वर्टेब्रे थोड़ा सा लॉन्ग है, बट उतना ही है हमारा, उसी तरह से उतना ही है हमारा। ओके, नाउ थर्ड टिप पे आते हैं, क्योंकि ये लास्ट टिप है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी पीएमपी किड्स की एक टिप होगी कि हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानकारी भी देंगे। ओके, अब स्मॉलेस्ट बोन के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन जो होता है उसको कहते हैं स्टिरप। ओके, जो वो मान लो स्टेप्स कह सकते हो आप लोग उसे, उस ईयर्स में होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर होता है, समझ आया, इतना छोटा सा है वो। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। ओके, सो अब आप अपने अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए। तो हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है गाइस, द जॉइंट्स। हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेंस ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होगा, तब हम लोग टेक द करेक्ट ऑप्शन सारा कुछ कर लेंगे, समथिंग टू डू करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।